2019 में प्रधानमंत्री राहुल गांधी अनुमोदन, दोनों ही ठीक नहीं है। जैसे मोदी को ही हम देखें, इन दोनों में से तो कोई नहीं, राहुल अच्छा रहेगा। मनमोहन सिंह को फिर दोबारा आगे लेना चाहिए अगर इंडिया का भला चाहते हैं। हम चाहते हैं अरविंद केजरीवाल को मौका मिलना, अभी भी हम मोदी को ही सपोर्ट करेंगे। नमस्कार, मैं वसीम खान और आप देख रहे हैं बिहार का नंबर वन डिजिटल चैनल लाइव सिटीज। 2019 का लोकसभा जिसका सभी को बेसब्री से इंतजार है, सभी जानना चाहते हैं कि 2019 में प्रधानमंत्री कौन बनेगा। चलते हैं और लोगों से जानते हैं कि अगला पीएम वो किसे देखना पसंद करेंगे, नरेंद्र मोदी को या फिर राहुल गांधी को। आप एक यूथ हैं, युवा में आप लोग हैं, आपकी आवाज़ ही देश की आवाज़ होती है, आप किसे पसंद करती हैं, राहुल गांधी या नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर के रूप में, प्रधानमंत्री के रूप में? एक्चुअली मैं पॉलिटिकल न्यूट्रल हूँ, तो मैं दोनों में से किसी को नहीं पसंद करती, आई एम वेरी पॉलिटिकल न्यूट्रल, तो मैं उन दोनों में से किसी को एज अ लीडर नहीं देखती हूँ। कोई अगर थर्ड पर्सन है जो कि जिन्हें हम नहीं जानते हैं, अगर वो आना चाहें तो शायद मैं उन्हें पसंद, इन दोनों में से तो कोई नहीं। जैसे मोदी को ही हम देखेंगे, हम वैसे पंजाब से हैं, ठीक है ना, हम मोदी को पहुँच के बहुत रब्ट करते हैं, बहुत अच्छियाँ हैं, ऐसे तो बहुत सख्त हैं पर अच्छी अच्छी ग्रोथ होगी इंडिया की, सारे की टाइम लगेगा थोड़ा सा। आपको क्या लगता है, राहुल गांधी नरेंद्र मोदी के टक्कर में है या नहीं? नहीं नहीं, नहीं राहुल गांधी बिल्कुल नहीं, आपने भी जानते हैं राहुल अच्छा रहेगा। नोटबंदी कर दिया, कभी कुछ कर दिया, कभी कुछ कर दिया, कोई अच्छा नहीं है, राहुल अच्छा रहेगा, सब लोगों के, गरीबों के, अमीरों के, सबके लिए ठीक रहेगा। आपकी माने तो कौन बनेगा 2019 में प्रधानमंत्री, राहुल गांधी अनुमोदन? दोनों ही ठीक नहीं है, ना राहुल गांधी ना नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी ने सत्यानाश कर दिया, डीमोनेटाइजेशन, ठीक है ना, सारे फैसले गलत। हम चाहते हैं अरविंद केजरीवाल को मौका मिलना चाहिए, दिल्ली में कैसा काम किया, अगर उससे मौका मिलेगा, देखो हेल्थ में कितना काम किया, एजुकेशन में कितना काम किया, इंफ्रास्ट्रक्चर में कितना काम किया, आप जाके देखो दिल्ली। यानी दोनों ही चेहरे में कहीं झुकाव आपका नहीं? सब चोर हैं बाकी। आपका किधर झुकाव है, आपका कुछ अपना मत होगा, कुछ सोच होगा? कुछ नहीं करना चाहते, अगर देश को बचाना है तो सबको छोड़कर मनमोहन सिंह को फिर दोबारा आगे लेना चाहिए अगर इंडिया का भला चाहते हैं, नहीं बाकी तो सब चोर हैं। आपके क्या राय है? राहुल गांधी। राहुल गांधी यहाँ बैठे तो सभी साथ में हैं, मगर सभी का सोच अलग है, कोई राहुल गांधी की तरफ झुक रहा है तो कोई नरेंद्र मोदी की तरफ, और कोई तो कह रहा है कि इन दोनों चेहरों में से कोई भी पीएम पद के लायक नहीं है, यानी कि कोई तीसरा चेहरा यदि आए तो कुछ सोचा जाए, कुछ बात बन जाए देश के लिए। अभी भी हम मोदी को ही सपोर्ट करेंगे, क्योंकि वो जो कर रहे हैं हमारे देश के लिए अभी नहीं समझ में आ रहा है, हो सके 10 साल बाद समझ में आए। नोटबंदी बहुत बढ़िया ऑप्शन था, क्राइम रुका, आतंकवाद रुका। प्रधानमंत्री के पद पे किसे देखना पसंद करेंगे, नरेंद्र मोदी को या फिर राहुल गांधी? कायदे से तो दोनों डिजर्व नहीं करते हैं, लेकिन अगर आप सिर्फ दो ऑप्शन दे रहे हैं तो नरेंद्र मोदी, क्योंकि कुछ तो बेहतर हैं राहुल गांधी से, कहीं ना कहीं वो स्किल्ड हैं, कहीं ना कहीं उन्होंने अपना प्रदर्शन किया। हाँ, जो उम्मीद थी जनता को, जिस उम्मीद से जनता ने उनको जिताया था, जो उनका मैनिफेस्टो था, जिस मैनिफेस्टो पे वो आए थे 2014 में, उस अनुसार तो उनका प्रदर्शन नहीं रहा, तो कायदे से तो उन्हें वोट नहीं पड़ना चाहिए नरेंद्र मोदी को। मगर अगर हमारा तुलना नरेंद्र मोदी से हो रहा, राहुल गांधी से हो रहा है, तो राहुल गांधी कहीं भी नज़र नहीं आते हैं नरेंद्र मोदी के आगे। तो आपकी नज़र में कौन अच्छे साबित हो सकते हैं 2019? कोई को अच्छा नहीं, इनकी बेचारे तो अभी उगता हुआ पौधा है, अंकुरता, इनको मौका मिलना चाहिए, लेकिन हम तो ऐसा कुछ नहीं देखे हैं इसलिए नहीं कह सकते हैं। आप बच्चे पकौड़ा बेचे, ये प्रधानमंत्री का बोली है, देश के लेडीज के, हमारे पुरुष प्रधान देश में एक महिला अगर राजीव गांधी इटली से करके ले आए तो वो हमारी बहू है, उसको गाली बकते हैं, बिहार के जनता को, डीएनए को गाली देते हैं, तो ऐसे प्रधानमंत्री को तुम देखते हो? यानी राहुल गांधी की ओर आपका झुकाव है? देखिए, राहुल गांधी की कार्यशैली मैंने तो देखी नहीं और लोगों ने भी नहीं देखी अभी तक, नरेंद्र मोदी की कार्यशैली देखी है और कार्यशैली में बड़ी खामियाँ हैं, मुझे नहीं लगता, मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ उन्होंने जो अभी तक किया है, केवल उन्होंने प्रोपेगेंडा किया है और ज़मीनी स्तर पे काम बहुत कम हुआ है, जैसे कि सारे बीजेपी के राज्यों में जितना जो भी काम हुआ उन्होंने पेपर पे किया, उसका सोशल ऑडिट वो नहीं करवाते हैं। नरेंद्र मोदी ठीक, राहुल गांधी क्यों नहीं? हमें लग रहा है जहाँ तक नरेंद्र मोदी ठीक हों, अपन व्यक्तिगत विचार है हमारे, तो विचार किसी आधार पे होते हैं, तो यदि हमें लगल कि काम बढ़िया करे थे,
थोड़ा सा दिक्कत, अब बढ़िया काम हो खरीद दिक्कत होगा नहीं तो काम अच्छा करे हो इनका फिर से बताओ। क्योंकि नरेंद्र मोदी ने बहुत प्रगति किया है, सो नरेंद्र मोदी के लिए, नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री देखना चाहेंगे। आपको ऐसा नहीं लगता कि राहुल गांधी भी प्रधानमंत्री बनेंगे तो युवा हैं, युवाओं के लिए सोचेंगे और देश हित में कार्य करेंगे? नहीं नहीं, पहले तो उन्हीं का सरकार था ना, तो उनके सरकार में तो कुछ हुआ नहीं, इसलिए नरेंद्र मोदी को, मतलब नरेंद्र मोदी ने बहुत आदमी रोजगार दिया है और बहुत प्रगति भी हुआ है, तो इसलिए नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं। आपका राय क्या है, 2019 में आप किसे देखना पसंद करेंगे, मोदी या फिर राहुल गांधी? नरेंद्र मोदी को। राहुल गांधी क्यों नहीं, आपके ओपिनियन से राहुल गांधी क्यों? क्योंकि नरेंद्र मोदी के आने से कुछ ज़्यादा ही प्रगति हो रही है। इनकी माने हैं तो 2019 में नरेंद्र मोदी फिर से। हम लोगों की राय ले रहे हैं और जान रहे हैं कि 2019 में प्रधानमंत्री पद पे कौन बैठेगा, फिर से नरेंद्र मोदी या फिर राहुल गांधी। आइए कुछ और लोगों से भी जुड़ेंगे और जानेंगे उनकी राय कि 2019 में कौन बनेगा प्रधानमंत्री। आप किसे 2019 में मोदी क्यों? देखिए, राहुल गांधी पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, उनका जो स्टैंडर्ड जो है हाई क्वालिटी का है, और पढ़ा लिखा व्यक्ति जो भी करेगा वो अच्छा करेगा। और मोदी जी हैं जो नेता हैं, एक्सपीरियंस है, मगर एक्सपीरियंस से तो देश नहीं चलता ना। हम देखिए, हम सपोर्ट पढ़े लिखे व्यक्ति को करते हैं, बस यही है। नरेंद्र मोदी चाहे कोई हो, हम उससे मतलब नहीं है। राजनीति की जहाँ तक बात है तो दो चार आदमी हैं सो अच्छे हैं, पढ़े लिखे सुनते हैं कि जी पढ़े लिखे अच्छे हैं, तो इसीलिए हम उनको एक्सेप्ट करते हैं। या बीजेपी हो या कांग्रेस हो, कोई हो, तो हम बिना पढ़े लिखे हुए आदमी को हम एक्सेप्ट नहीं करते। मोदी के अंदर हम कुछ क्वालिटी देखे हैं ना, इसलिए कि वो बहुत विकास कर रहे हैं। हम भी उत्तर प्रदेश से हैं तो हम आए हुए हैं थोड़ी सी पापा जी का आंख दिखाने के लिए, तो बता रहे नरेंद्र मोदी देख रहे विकास कर रहा है, अब विकास होगा तभी तरक्की होगा। ये नरेंद्र मोदी जी बोले थे कि जीरो बैलेंस खाता में कुछ पैसा डालेंगे, अगर 4.5 साल गुजर गए अभी तक कुछ भी नहीं पैसा भी डाले हैं, हम लोग का खाता भी ऐसा ही पड़ा हुआ है। यानी नोटबंदी जो हुआ था तो नरेंद्र मोदी ने जो वादे किए थे वो पूरे नहीं हुए, 15-15 लाख रुपए सभी के अकाउंट में जाएंगे, जो काला धन आएगा वो आपके अकाउंट्स में नहीं गया, तो आप नाखुश हैं? हाँ, 15 लाख क्या, कुछ 15,000 डाल देते तो गरीब को आशा होता, हम लोग का खोल दिया खाता। तो 2019 में प्रधानमंत्री किसे देखना पसंद करेंगे आप? अगर अभी समय है और कुछ हो डाल देंगे तो वही बनेंगे। और यानी अकाउंट में पैसा डाल देंगे तो मोदी को आप प्रधानमंत्री मान लेंगे? 2019 में प्रधानमंत्री कौन बनेंगे, फिर से नरेंद्र मोदी या फिर राहुल गांधी? आपकी माने तो 2019 में प्रधानमंत्री के रूप में आप किसे देखना पसंद करेंगे? हाँ तो मनमोहन के देखा, देखा। राहुल और नरेंद्र मोदी में आप किसे देखना पसंद करेंगे? मोदी के हैं। नरेंद्र मोदी, राहुल क्यों नहीं? ना मोदी के हैं। 2019 का लोकसभा चुनाव में हम तो नरेंद्र मोदी को देखना नहीं चाहते हैं, बल्कि राहुल गांधी को हम देखने के लिए चाह रहे हैं। क्यों नहीं देखना चाहते? इसलिए नहीं देखना चाह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जी जितने भी बात बनाए, एक भी सिर्फ इनका बात बनाना काम रहा, लेकिन काम एक भी नहीं किए। यानी जो वादे किए वो पूरे नहीं किए। इन्होंने क्या बोलता है, बिजनेस वाले का बड़े पार्टियों की सरकार है, बिजनेस वालों की सरकार है, गरीबों के तो कुछ भी नहीं किए। इन्होंने कहे थे कि लोकसभा चुनाव 2014 में हमको आप जिताइए और जिताने के बाद में गरीबी भगा देंगे। इन्होंने गरीबी क्या भगाएंगे, गरीबी को बिल्कुल मार दिए। कारण क्यों है कि जब बैठे बैठे नरेंद्र मोदी ये अपने मशीन राहुल को, क्यों आप पसंद करते हैं प्रधानमंत्री के रूप में, आप क्यों पसंद कर रहे हैं? इसीलिए कि नरेंद्र मोदी हर चीज़ पर GST लागू कर दिए, इसलिए एक ठेला भी है, एक सब्जी भी है, एक बिजनेस करने वाला। राहुल पे, राहुल को आप किस नज़रिए से देखते हैं कि प्रधानमंत्री के लिए वो अच्छे हैं, दावेदार? राहुल को इसलिए कह रहे हैं कि से राहुल गांधी के समय में कांग्रेस आई कि सरकार सब दिन रहा है या सब दिन चलाया है, आई भाजपा के सरकार आता है ये तो बिगाड़ करके रख देता है। हम तो राजनीति के बारे में उतना नहीं जानते हैं, लेकिन तत्काल में बिहार के तक बारे में कह रहे हैं कि लालू जी जब तक थे तब तक हम लोग को थोड़ा बहुत दिक्कत नहीं था, अब बहुत कड़ाई हो गया है सब पे, गांधी मैदान में हो चाहे हर चीज़ पे हो। जय मोदी जी यहाँ पे रैली किए, पहला रैली जो है बम विस्फोट हुआ, वही से हम लोग के
पेट पे लात मार गया समझ लीजिए। मैं तो नरेंद्र मोदी को ही चाहूँगा, क्योंकि वो अंतिम पायदान पर जो लोग थे उनके लिए बहुत काम किए हैं। जब प्रधानमंत्री धन जन योजना, ज्योति योजना, गैस चूल्हा जलाने वाला योजना, नाना प्रकार के योजना। राहुल गांधी क्यों नहीं? क्यों नहीं, अभी विकास के रफ्तार में बहुत आगे हैं, भ्रष्टाचारी पर भी बहुत आकुश और लगाम लगाए हैं नरेंद्र मोदी। राहुल गांधी, नरेंद्र मोदी क्यों नहीं? क्या रीजन क्या है इसका, नरेंद्र मोदी से इतनी नाखुशी क्यों दिख रही है? है बहुत तरह का परेशानी है, देखते हैं, कुछ नहीं कर रहा है। आपकी क्या राय? आई थिंक आई विल सपोर्ट नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी, राहुल गांधी क्यों नहीं? आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन कांग्रेस। मोदी जी, राहुल को क्यों नहीं? रीजन ये है कि राहुल जी जो भी अभी किए हैं, जैसे भी किए हैं मुझे नहीं पता, लेकिन मोदी जी ने इतना बढ़िया काम कर दिया है कि जो चीज़ आम आदमी के हक में, जैसे अभी कह सकते कि डायरेक्ट सेलिंग जो चल रहा है, डायरेक्ट सेलिंग में क्या है, एक आम आदमी को खाद बनने का जो मौका दिया, उस पर गाइडलाइंस भी बनाया है, वो सबसे बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। जो आज के समय में जो व्यक्ति बाहर निकलना चाहता है, मेहनत करके कुछ करना चाहता है, उसके लिए अच्छा मौका दिया है नरेंद्र मोदी। ऑब्वियसली राहुल गांधी क्यों? हाँ, राहुल गांधी क्यों? आप खुद ही एक बार सोचिए, राहुल गांधी अगर मैं नाम लेता हूँ तो मुझे हंसी आती है। नरेंद्र मोदी। राहुल गांधी क्यों नहीं? राहुल गांधी की सरकार में कोई विकास नहीं हुआ। नरेंद्र मोदी 5 साल के अंदर जो है बहुत अच्छा विकास किए हैं। फायदा नहीं, एक तो बैठा है देखे लूट के चला गया, वो बैठेगा वो भी लूट के चला जाएगा। यानी नरेंद्र मोदी लूट के गए? बिल्कुल, युवा के लिए तो कुछ किया ही नहीं है, ऐसे ही बोलता है रोजगार देगा। देखिए तो राहुल एक युवा है तो ऐसे में आप लगता नहीं है, वो भी बस बैठने भर दे रहे, उनके बाद भी वही होगा जो 420 अभी हुआ वो बाद में भी होगा। नरेंद्र मोदी। राहुल गांधी क्या टक्कर में नहीं है? टक्कर में नहीं है और वो सोच के नहीं है, जिस सोच के नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी क्या राहुल गांधी टक्कर में नहीं है नरेंद्र मोदी? किसी लायक, किसी भी लायक, किसी लायक में उनके टक्कर। नरेंद्र मोदी। राहुल गांधी क्यों? राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनने लायक है। राहुल गांधी में वैसा कोई गुण नहीं है? नहीं। ये था जनता का राय। किसी ने कहा राहुल गांधी एक अच्छे नेता के रूप में उभर के आ रहे हैं और हो सकता है कि वो प्रधानमंत्री हो जाए, तो किसी ने गुस्सा जाहिर करते हुए नरेंद्र मोदी को ही खरा घोटा सुना डाला। पर कईयों ने तो यह भी कह डाला कि इन दोनों चेहरों में से कोई भी पीएम का योग्य नहीं है, यानी प्रधानमंत्री बनने के योग्य दोनों ही चेहरे में से कोई भी नहीं है, ना राहुल गांधी और ना ही नरेंद्र मोदी। कोई तीसरा चेहरा आए तो फिर बात बन जाए। तो ये थी सड़कों पे लोगों की राय, पर आपकी क्या राय है कमेंट कर जरूर बताएं। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और साथ ही साथ हमारे Facebook पेज को भी लाइक करें।